नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है क्वालिटी एंड फैक्ट फॉर यूपीएससी नेट के मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यूजीसी नेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ये मेरी पांचवी वीडियो है और इसमें मैं जून 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करूंगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। आदर्श शासक के कर्तव्यों का विवरण निम्नांकित में से किसमें किया गया है? आदर्श शासक के कर्तव्यों का वर्णन किया गया है प्लेटो के रिपब्लिक में। अगर यहाँ पे अरस्तु का कौटिल्य का अर्थशास्त्र होता तो उसका सही आंसर होना था अर्थशास्त्र, लेकिन यहाँ पे प्लेटो का रिपब्लिक। एक व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु भूल सकता है परंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं, यह किसने कहा? ये कहा था मैक्यावली ने। मैक्यावली प्रॉपर्टी को और स्त्रियों के सम्मान को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इन्होंने कहा कि व्यक्ति संपत्ति से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, वो भले ही उसकी स्त्री हो या उसकी निजी संपत्ति हो। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नांकित में से समुदायवादी दार्शनिक कौन है? दोस्तों, समुदायवाद पर मैंने अलग से लेक्चर डाला है, उसमें पूरे समुदायवादियों की चर्चा की है। माइकल सैंडल, अर्नेस्ट वार्कर उदारवादी है, फ्रेडरिक हेयर नियो लिबरलिस्ट थिंकर है, ठीक है, मॉरिस कैंस्टन आपने पता कर लेना है। क्रीडो ऑफ रेलिवेंस किसका मुख्य नारा था? क्रीडो ऑफ रेलिवेंस था उत्तर व्यवहारवाद का नारा, जो कि दिया था डेविड ईस्टन ने। अब क्रीडो ऑफ रेलिवेंस का क्या मतलब है, अगर आपने जानना है तो मेरी वीडियो देख सकते हैं बिहेवियरलिज्म के ऊपर, पोस्ट बिहेवियरलिज्म के ऊपर। वैसे क्रीडो ऑफ रेलिवेंस होता है कि जो चीजें करने लायक है वो चीजें करना, ठीक है। राजनीतिक सिद्धांत के उत्थान पर किसके द्वारा दृढ़ता पूर्वक बल दिया गया? 1971 में जॉन रोल की बुक आती है अ थ्योरी ऑफ जस्टिस, जो कि राजनीति के पुनरुत्थान में मील का पत्थर साबित होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से किसने अपने अवधारणात्मक ढांचे में गोल चेंजिंग और लर्निंग की अवधारणाओं का उपयोग किया है? गोल चेंजिंग और लर्निंग का किया है कार्ल ड्यूश ने द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट बुक के अंदर। निम्नांकित में कौन सा अमेरिकन संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा नहीं है? पॉकेट वीटो राष्ट्रपति के पास है, सीनेट का शिष्टाचार भी है और फिलीबस्टिन ये कई बार आया है। फिलीबस्टिन का मतलब है कि अगर आप एक बार असेंबली में बोलने लग गए, भले ही आप वहां पे नोवेल पढ़ रहे हो, बकवास बोल रहे हो, लेकिन आपको कोई रोक नहीं सकता है बीच में, वो था फिलीबस्टिंग। अब इसके ऊपर रोक लगा दी गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट में, ठीक है, लेकिन वहां पे है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो ये सामूहिक उत्तरदायित्व इंडिया और आपका यूके के संबंध में सही है, लेकिन यूएसए के संबंध में नहीं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से कौन संसदों की जननी कही जाती है? ये है ब्रिटिश संसद। द्वितीय सदन के सदस्यों का चुनाव किस देश में इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है? इकाई के लोगों द्वारा किया जाता है यूएसए में और स्विट्जरलैंड में, ठीक है। भारत, यूके और कनाडा का एक जैसा सिस्टम है, ठीक है, भारत, यूके और कनाडा का, लेकिन यूके में द्वितीय सदन के लोग चुने नहीं जाते हैं, ठीक है, जो लॉर्ड होते हैं वो नहीं चुने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3, बी इज करेक्ट आंसर, बी। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नांकित में से किसने एक पार्टी व्यवस्था को व्यापक एक पार्टी व्यवस्था और संकीर्ण एक पार्टी व्यवस्था सत्तावादी एक पार्टी व्यवस्था में वर्गीकृत किया है? तो ये किया है जेम्स जप ने, जेम्स जप। अब इन तीनों को भी आप देख लो, डुवर्जर भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बात करते हैं, ब्लोंडेल भी करते हैं, ला पालोम्बरा, एक बार आपने इन तीनों को चेक कर लेना है, इससे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हैं पार्टी सिस्टम से। भारत में संसद की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, बहुत सिंपल है। न्यूनतम जनसंख्या बताइए जिससे
जिसके नीचे संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मध्यस्थ स्तर पर पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता, ये 20 लाख से कम जनसंख्या पे नहीं किया जा सकता है। आप लोगों ने दूसरा वो भी देख लेना है कि नगर निगम कितनी जनसंख्या पे बनता है, जहां पे 3 लाख से ज्यादा हो। नगर परिषद कहाँ बनता है वो सारा आपको देखना पड़ेगा। निम्नांकित में से कौन स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था, स्वराज पार्टी से संबंधित नहीं था, ये है आपके विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल इससे संबंधित नहीं थे। और आपको मैं बता दूं कि स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में बनी थी और इसके जो मेन व्यक्ति थे इसमें वो थे सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, बाद में इसमें वल्लभ भाई पटेल भी जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नांकित में से किस आयोग ने पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर की पहचान की, क्रीमी लेयर की पहचान की थी वीपी मंडल आयोग ने, और वीपी मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में जनता दल ने, कब किया था 1979 में जनता दल ने किया था, और इसके विंदेश्वरी प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, विंदेश्वरी प्रसाद ये वीपी मंडल। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नांकित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंधों से संबंधित नहीं है, राजमन्नार समिति है, सरकारी आयोग इसमें है, इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति बनी थी 1998 में चुनाव सुधारों के लिए, याद रखना आपने ये चुनाव सुधारों के लिए बनी थी 1998 में। स्पिल ओवर अधिप्लावन की अवधारणा किस सिद्धांत में मिलती है, स्पिल ओवर इसको देख लेते हैं इंग्लिश में। क्वेश्चन नंबर 16, स्पिल ओवर इज फाउंडेड, स्पिल ओवर का जो सिद्धांत है ये यूज होता है रीजनल इंटीग्रेशन के लिए, रीजनल इंटीग्रेशन क्षेत्रीय एकीकरण के लिए। क्वेश्चन नंबर 17, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के इतिहास में वार टू एंड वार का मतलब है लड़ाई जो लड़ाइयों को खत्म करने के लिए लड़ी गई थी लेकिन वो बाद में गलत सिद्ध हुई, उसके बाद और लड़ाई हुई, ये है प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध को बोला जाता था कि ये लड़ाई पूरी की पूरी लड़ाइयों को खत्म करने के लिए लड़ी गई है, इसके बाद लड़ाई होगी ही नहीं, लोग डर जाएंगे, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वॉर टू वॉर एंड की धारणा खत्म हो गई थी। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ, अब यहां पे देखिए क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के साथ अंतः शासकीय संगठन का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है, इसमें आपने देख लेना है क्षेत्रीय सदस्यता, यूएनओ की क्षेत्रीय सदस्यता नहीं है, विश्व स्तर पर है, WHO विश्व स्तर पर है, नाटो की क्षेत्रीय सदस्यता है, ठीक है, लेकिन इनका सामान्य उद्देश्य नहीं है नाटो का, नाटो का विशेष उद्देश्य है ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, सामान्य उद्देश्य और क्षेत्रीय संगठन है सार्क साउथ एशिया के लिए। निम्नलिखित में से किसने नव न्याय संगत युद्ध का सिद्धांत दिया, नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन। अब मैंने डॉक्ट्रिन आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, उसमें जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन दी है माइकल वॉल्जार ने, जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन माइकल वॉल्जार ने, और नियो जस्ट वॉर डॉक्ट्रिन दी है जॉर्ज बुश ने। नव न्याय संगत युद्ध से इनका क्या मतलब था कि आप वॉर ऑन टेरर कर दो, टेररिज्म के खिलाफ आप जो मर्जी साधन अपना लो, उनके साथ धोखे से या उनके सामने से टक्कर करो, वो जस्ट ही होगा, इसी को बोला गया है न्यू न्याय संगत युद्ध। शक्ति संतुलन के सिद्धांत का लक्षण है, शक्ति संतुलन का सिद्धांत बैलेंस ऑफ पावर बना था यथा पूर्व स्थिति को बनाए रखने के लिए, कि जो क्षेत्र या जो राष्ट्र जितना शक्तिशाली है उसकी शक्ति को बढ़ाने ना दिया जा सके, ठीक है, यथा पूर्व स्थिति स्टेटस क्यू मेंटेन किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट
पुस्तक लिखी है ड्वाइड वाल्डो ने। आपको हर्बर्ट साइमन की बुक का पता होना चाहिए, एल्टन मेयो और मैक्स वेबर तीनों की बुक्स का भी आपको पता होना चाहिए। कम से कम एक एक दो दो बुक तो इनकी आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने बिहेवियरलिज्म के ऊपर बुक लिखी है, एल्टन मेयो ने मानव संबंधों के ऊपर लिखी है और मैक्स वेबर ने नौकरशाही के ऊपर। प्रशासन अब इतना विशाल क्षेत्र बन गया है कि प्रशासन दर्शन अब जीवन दर्शन के करीब आ गया है, ये कथन है पॉल एच एपलवी का। पॉल एच एपलवी। क्वेश्चन नंबर 23, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या हासिल करने की चेष्टा करता है? लोक निगम करता है सार्वजनिक जवाबदेहता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। अब यहाँ पे देखो कारोबारी दक्षता ही दिया है ओनली, लेकिन कारोबारी दक्षता के साथ सार्वजनिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है लोक निगम के ऊपर। निम्नांकित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? उत्तम शासन वही है जहां पे पारदर्शिता भी हो और जवाबदेहिता भी हो। ठीक है, यहां पे दिया है विधि का शासन और नियमित चुनाव। जरूरी नहीं है, विधि का शासन भी है और नियमित चुनाव भी है, लेकिन उसमें लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पे करप्शन है, तो ये जरूरी नहीं है। विधि का शासन इंडिया में भी है लेकिन इतना ज्यादा करप्शन है कि पूछो मत। नियमित चुनाव और नौकरशाही की कमी, इसका सही आंसर डी है। ठीक है, किस भारतीय राज्य ने भारत में लोकायुक्त का कार्यालय सर्वप्रथम स्थापित किया? महाराष्ट्र ने सबसे पहले 1971 में। अब ये लोकायुक्त का मतलब है ओम्बुड्समैन, ओम्बुड्समैन जो कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में होता है। ठीक है, तो महाराष्ट्र में सबसे पहले, और इसका एक शॉर्टकट ट्रिक मैंने बनाया है मिस्टर बम, MRBUM। सबसे पहले महाराष्ट्र में 1971 में, आर राजस्थान में 1972 में मिस्टर बम, बी बिहार, बिहार में 1973 में, यूपी 1974 में और मध्य प्रदेश में आई थिंक 1980 में। तो अगर आपको याद रखना है कि ओम्बुड्समैन सबसे पहले किन 5 राज्यों में हुए, तो मिस्टर बम। नीचे दिए गए कोडों की सहायता से राजनीतिक विज्ञान में निम्नांकित सिद्धांतों उपागमों का कालानुक्रम आपने बताना है कि कौन सा पहले आया कौन सा बाद में। उत्तर व्यवहारवाद। उत्तर व्यवहारवाद की उत्पत्ति होती है 1969 में जब पॉलिटिकल एसोसिएशन के अंदर डेविड ईस्टन ने भाषण दिया था, तो ये 1969 में। संरचनात्मक प्रकार्यवाद, स्ट्रक्चरल फंक्शनल थ्योरी आई है गैब्रियल आमंड की बुक द पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपमेंट एरियाज 1960। ठीक है, ये 1960 या 1969। समुदायवाद, समुदायवाद आई है 1970 के आसपास और नव उदारवाद 1970-80 के बीच। नव उदारवाद को ब्रिटेन में बोला जाता है थैचरिज्म और और यूएसए में बोला जाता है रीगनिज्म। 1980 के आसपास आई है, तो इसका सही कालक्रम होना चाहिए सबसे पहले 2-2-1-3-4, 2-1-3-4, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नीचे दिए गए कोडों की सहायता से निम्नांकित पुस्तकों के प्रकाशन का कालक्रम बताना है आपने। ये क्वेश्चन नंबर 27, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स, अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स लिखी है हेरोल्ड जे लास्की ने 1925 के अंदर। उसके बाद है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन 1992 में लिखी है फ्रांसिस फुकुयामा ने। द टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट लिखी है जॉन लॉक ने, और ये लिखी है 1689 में। अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया 1974 के अंदर लिखी है, तो इसका सही कालक्रम होगा सी। सबसे पहले आई टू ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट 1689 में, और उसके बाद आप देख लो ये सारी की सारी। क्वेश्चन नंबर 28, इसमें आपको मैच करना है रूसो, रूसो ने दी है जनरल विल। ठीक है, लोक ने दिया है शासित की सहमति।
मतलब लोगों की सहमति से शासक राज करता है, अगर लोगों की संपत्ति की रक्षा नहीं कर पा रहा है, मतलब प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा अगर शासक नहीं कर पा रहा है तो लोग चाहे तो शासक को हटा सकते हैं, मतलब लोग शासित की सहमति। हीगल ने दिया है पृथ्वी पर ईश्वर की यात्रा, इन्होंने राज्य को क्या बोला है, स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ। रॉल्स ने दिया है अज्ञानता का पर्दा, ये अज्ञानता का पर्दा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना क्योंकि इनकी पूरी की पूरी थ्योरी इसी के ऊपर डिपेंड है। अगर इसके ऊपर मैं एक लेक्चर भी बनाऊंगा, कोशिश करूंगा अगर टाइम मिला तो 28 का करेक्ट इसका क्रम होगा बी, 3 4 2 1, मतलब इसका मैच 29, इसमें भी मैच करना है आपको। आगत निर्गत इनपुट आउटपुट एनालिसिस दिया है डेविड इस्टन ने। सम्राट वर्ग का संचरण सर्कुलेशन ऑफ एलीट, मतलब जो नॉन एलीट है एक दिन वो एलीट बनने हैं और एलीट नॉन एलीट बनने हैं, ये बात की है पैरेटो ने। अल्पतंत्र का लोह नियम ये दिया है रॉबर्ट मिशल ने, यहाँ पे देखो माइकल लिखा है, रॉबर्ट माइकल, एक्चुअली में ये रॉबर्ट मिशल है इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है आपने। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच गैब्रियल आमंड ने दी है, इसके ऊपर मैंने अलग से भी लेक्चर बनाया, आप वहां पे देख सकते हैं कि ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी मैच करना है डेविड ईस्टन, डेविड ईस्टन ने बात की है पॉलिटिकल सिस्टम की, सिस्टम अप्रोच से जुड़े हैं डेविड ईस्टन। सी राइट मिल्स ने बात की है पावर एलीट की, शक्ति अभिजन। जीडीएच कॉल जुड़े हैं गिल्ड सोशलिज्म से और डेरिडा है उत्तर आधुनिकतावादी, ठीक है। तो 30 का सही काल सही मैच यहाँ पे होगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 31 मैच करना है वैज्ञानिक प्रबंध, वैज्ञानिक प्रबंध पर मैंने अलग से लेक्चर बनाया है पब्लिक एड के अंदर, आप देख सकते हैं वहां पे। इसने क्या किया था, कार्य विधियों का मानकीकरण, ठीक है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स। मानव संबंध सिद्धांत बात करता है अनौपचारिक समूह कार्यकारिता की। निर्णय सिद्धांत, डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाया है और मानव संबंध पे भी, ये भी आप देख सकते हैं। निर्णय सिद्धांत का यहाँ पे है बहुत सारे विकल्पों में से एक चुनना ही निर्णय सिद्धांत है, क्लासिकल थ्योरी में प्रशासन के सिद्धांतों की रचना की गई है, ठीक है। तो 31 का करेक्ट आंसर यहाँ पे हमारा होगा ए, 31 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक संबंध ये वैश्वीकरण का विवरण यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, आप आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के ऊपर ये बुक लिखी है इन्होंने, ठीक है। तो सबसे पहले है सामाजिक संबंध, सामाजिक संबंध की बात वैश्वीकरण के अंदर की है गिडनिस ने, इन्होंने बोला है कि वैश्वीकरण के कारण सामाजिक संबंध बढ़े हैं एक देश के दूसरे देशों के साथ। विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण मतलब जो विश्व अर्थव्यवस्था है एक ग्लोबल विलेज बन गया है, कि मतलब आप पूरी दुनिया से कहीं पे भी कोई भी सामान खरीद सकते हैं, तो ये बात की है। सॉरी यहाँ पे बिल्कुल थोड़ा रॉन्ग हो गया है, सामाजिक संबंध की बात की है गिडनिस ने, ठीक है, आपने करेक्ट कर लेना है। और विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण किया है गिडपिन ने, ठीक है। और क्षेत्रीकरण की बात की है शोल्टे ने, कि मतलब वैश्वीकरण की वजह से क्षेत्रीकरण की राजनीति बढ़ी है और समय क्षेत्र दबाव लास्ट बचे हैं हार्वे। तो 32 का सही आंसर यहां पे होगा डी। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें आपने उद्देश्य और संगठन को मैच करना है, ठीक है, कि
कौन सा संगठन किस लिए बना है? वैश्विक सदस्यता और सामान्य उद्देश्य। सदस्यता वैश्विक है, पूरे विश्व के देश उसमें जुड़े हैं, और एक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य को लेके जुड़े हैं, तो इसका मतलब है यूएनओ। यूएनओ का एक सामान्य उद्देश्य है शांति बनाए रखना। क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य, ये पिछले साल भी आया था, तो सॉरी, क्षेत्रीय सदस्यता और सामान्य उद्देश्य के लिए बना था यूरोपियन यूनियन। क्षेत्रीय सदस्यता है सिर्फ यूरोपियन जो कॉन्टिनेंट है उसके सदस्य है, और सामान्य इनके उद्देश्य है। उसके बाद है क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य। क्षेत्रीय सदस्यता और सीमित उद्देश्य, ये है नाटो के। क्षेत्रीय सदस्यता मतलब ये मेनली पूंजीवादी देशों का है, और सीमित उद्देश्य इसका सिर्फ एक मिलिट्री उद्देश्य है। उसके बाद वैश्विक सदस्यता और सीमित उद्देश्य, यह है इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन। सीमित उद्देश्य क्यों है? क्योंकि यह सिर्फ लेबर के लिए ही काम करता है। तो 33 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए ए। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, इसमें मैच करना है रीगा की सुक्ति। रीगा की सुक्ति से शीत युद्ध का आरंभ हुआ था 1945 के अंदर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए रीगा की सुक्ति। सिनाट्रा का सिद्धांत, सिनाट्रा का सिद्धांत ये पूर्वी यूरोपियन मित्र राष्ट्रों के लिए बना था। माल्टा सम्मेलन, माल्टा सम्मेलन आपको याद होगा 1991 में, जो कोल्ड वॉर की आपने वीडियो देखी होगी, तो उसमें माल्टा सम्मेलन हुआ है, जिसमें कि यूएसएसआर के प्रेसिडेंट गोरबाचोव ने मीटिंग बुलाई थी माल्टा में। तो उसमें क्या हुआ था? शीत युद्ध का अंत रीगा की सुक्ति से शुरू हुआ था और माल्टा सम्मेलन पे खत्म हुआ था। जेनेवा उपसंधि या जेनेवा प्रोटोकॉल है रासायनिक शस्त्रों के उपयोग को अवैध घोषित करने के लिए। तो 34 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा ए। ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35, गोवा की स्वतंत्रता हुई है 1961 के अंदर। आंतरिक आपात स्थिति लगाई गई थी इंदिरा गांधी द्वारा 1975 के अंदर। इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई थी 1984 के अंदर। पोखरण विस्फोट, पहला पोखरण हुआ है 1974 और दूसरा पोखरण विस्फोट हुआ है 1998 के अंदर। तो 35 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा बी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित, मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट बनाई थी, बिल्कुल सही। एम ए जिना खिलाफत आंदोलन नहीं, ये कोई गफार खां, या फिर मेरे को अच्छे से याद नहीं, अब्दुल गफ्फार खां थे शायद या कोई और था जिन्होंने खिलाफत आंदोलन शुरू किया। आपने एक बार क्रॉस चेक कर लेना है। महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन और सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 37, इसमें सिद्धांतों के उद्घोषित की सिद्धांत कब निकला? और ये मैंने आपको पिछली वीडियो में, परसों जो वीडियो डाली थी उसके अंदर मैंने क्लियरली आपको बताया है। सबसे पहले आया है मुनरो सिद्धांत, जो कि 1819 से 1823 में आया है। उसके बाद आया है आपका ट्रूमैन सिद्धांत। ट्रूमैन सिद्धांत आया है 1945 में। उसके बाद आइजनहावर थ्योरी 1954-55 में, और निक्सन सिद्धांत सबसे बाद में आया है। तो इसका 37 का सही क्रम होगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी जनरल है, उनकी नियुक्ति का क्रम बताना है। इसके ऊपर मैं शायद आज शाम तक वीडियो डाल दूं। इसकी एक मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है कि तड़का जब भी लगाएं एंटोनियो को बुलाएं। अब तड़का के अंदर चार सेक्रेटरी आ गए हैं, जब भी लगाएं, ठीक है? तो एंटोनियो, एंटोनियो अभी प्रेजेंट में एंटोनियो गुटरेस, तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं, तो उसको जरूर देख लेना एक बार, ठीक है? तड़का, तड़का में ट्रिग्वेली सबसे पहले आ रहे हैं, टी, ठीक है?
उसके बाद है डॉग हैमरशॉल्ड, उसके बाद है यूथ हंट, और सबसे लास्ट में है कर्थ वल्दाइम। तो 38 का करेक्ट आंसर यहां पे होगा सी। 39 से 35 तक असर्शन और रीजन के हैं, इसे देख लेते हैं। मेरे ये इंटरेस्टिंग मेरे लिए ये क्वेश्चन रहते हैं। 39, रोल का न्याय सिद्धांत राजनीतिक एवं नैतिक दर्शन में शक्तिशाली, देखो राजनीतिक दर्शन में क्या है, ये शक्तिशाली है, गहन है, सूक्ष्म है और व्यापक है और व्यवस्थित भी है, इतनी सारी इसमें खूबियां हैं। ठीक है, तर्क में बोल रहा है राजनीतिक दार्शनिकों को अब या तो रोल्स के सिद्धांत के अंदर कार्य करना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्यों नहीं करना चाहते हैं। अभी इसने जब अभी कथन में बोल दिया कि ये शक्तिशाली भी है, गहन भी है, सूक्ष्म भी है, व्यापक भी और व्यवस्थित भी है, इसमें कोई कमियां ही नहीं है, तो राजनीतिक दार्शनिकों को चाहिए कि रोल्स के सिद्धांत का या तो वो अनुसरण करें या ये बताए कि वो क्यों नहीं करना चाहते। तो बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर होगा ए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या भी है। अरविंद के लिए सच्ची राष्ट्रीयता सनातन धर्म है, सच्ची राष्ट्रीयता सनातन या हिंदू धर्म है, बिल्कुल सही बात। अरविंद महात्मा माने जाते हैं और इन्होंने बात की थी ये। सनातन धर्म से अरविंद का अभिप्राय पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान था। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब तो हो गया यज्ञ करना, क्या सनातन धर्म का काम सिर्फ यज्ञ करना होता? नहीं, अरविंद बोलते थे कि सनातन धर्म जीवन की एक कला है कि हम कैसे जिए, ठीक है, कैसे हम उच्च आदर्शों को अपनाएं। तो ये यहाँ पे धार्मिक अनुष्ठानों की बात नहीं करते, ये बिल्कुल गलत है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, ए सही लेकिन आर असत्य। क्वेश्चन नंबर 41, राजनीतिक आधुनिकता को सामाजिक लामबंदी, राजनीतिक पॉलिटिकल जो मॉडर्नाइजेशन को है सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास का परिणाम समझा जाता है, बिल्कुल समझा जाता है। पॉलिटिकल जो मॉडर्नाइजेशन हुई है वो सामाजिक पार्टिसिपेशन से, सोशल पार्टिसिपेशन से और आर्थिक विकास से हुई है, हम मानते हैं इसको। सामाजिक लामबंदी और आर्थिक विकास दोनों विकासशील देशों में काफी दृष्टिगोचर होते हैं, ये देखो ना तो सामाजिक लामबंदी विकासशील देशों में ज्यादा पाई जाती है और ना ही आर्थिक विकास, क्योंकि ये विकासशील देश है, ये कहाँ पाई जाती है, विकसित देशों में ज्यादा दृष्टिगोचर होती है ये, ना कि विकासशील देशों में। तो यहाँ पे हमारा रीजन गलत हो गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब क्वेश्चन नंबर 42, संप्रेषण सिद्धांत सरकार को सूचना प्रवाह पर आधारित निर्णय व्यवस्था के रूप में लेता है, बिल्कुल लेता है। अब संप्रेषण सिद्धांत किसने दिया है, कार्ल ड्यूश ने, द नर्व्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे नर्व्स के अंदर खून का बहाव होता है वैसे ही सरकार के अंदर इसका सूचना का प्रभाव होता है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। यह साइबरनेटिक मॉडल पर आधारित है, क्या है, संप्रेषण सिद्धांत साइबरनेटिक मॉडल पर आधारित है, बिल्कुल सही बात कर रहा है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 43, मैक्स वेबर की आदर्श प्रकार की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, मैक्स वेबर की नौकरशाही विकासशील देशों के लिए उपयुक्त नहीं है, बिल्कुल सही बात कर रहा है। इसी कारण तो F.W. रिक्स ने इकोलॉजिकल अप्रोच दी थी, क्योंकि नौकरशाही जो मैक्स वेबर की नौकरशाही है वो विकसित देशों के लिए बनाई गई थी, तो ये बिल्कुल सही बात कर रहा है। वेबेरियन नौकरशाही में नियमों और विनियमों में पर बहुत अधिकता है, ठीक है, नियम और विनियम जो होते हैं, रूल एंड रेगुलेशन, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसने फोकस किया है, और रूल और रेगुलेशन विकासशील देशों में ज़्यादातर नहीं चलते हैं, वहाँ पर आए दिन दंगे होते हैं, आए दिन वहाँ पर रूल तोड़ने पड़ते हैं, नए रूल बनाने पड़ते हैं, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है मैक्स वेबर की, ये नौकरशाही विकासशील देशों के लिए नहीं है, क्योंकि वेबरिन नौकरशाही नियम और ये नियमों की अधिकता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 44, भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य है, बिल्कुल न्यूक्लियर पावर स्टेट है इंडिया, भारत ने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, तो ये अलग अलग है। भारत नाभिकीय शस्त्र राज्य इसलिए नहीं है कि इसने NPT पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, अगर इंडिया ने किए होते
तो भी ये होना था, ठीक है। तो इसका मतलब भारत ने किए तो नहीं, ये बिल्कुल सही बात बोल रहा है, और भारत नाम की शस्त्र राज्य भी है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ये इसकी एक्सप्लेनेशन इसका ये नहीं कर पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 45, सदस्य राज्य राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता को यूएनओ द्वारा सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत के अंतर्गत सुरक्षित करने की चेष्टा की जाती है, ठीक है। इनका मोटो भी है एक के लिए सभी और सभी के लिए एक। राज्यों को युद्ध करने का अधिकार है? बिल्कुल नहीं। यूएनओ के अंदर क्लियर बताया गया है कि राज्य युद्ध नहीं करेंगे, सिर्फ अपने सेल्फ जो अपना है अपनी रक्षा के लिए उसका प्रतिकार कर सकते हैं, लेकिन युद्ध नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी बिल्कुल गलत हो गया है, सॉरी रीजन गलत हो गया, तो उसका करेक्ट आंसर होगा सी। अब दोस्तों ये 45, 46 से लेके 50 तक पहले एक पैराग्राफ आता था, अब ये नहीं आता है, इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, देखने के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।